नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन नई न्यूज़। क्या वाकई में चौकीदार चोर है? चौकीदार चोर है कि नहीं, ये समझना अब समझने का वक्त आ गया है। दरअसल सदन में सेकेंड सेशन चल रहा है और इस सत्र में भी उस मामले पे बात नहीं हो रही जिस मामले पे लोग जानना चाह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से अडानी घोटाले की धज्जियां उड़ा दी, मोदी सरकार पर तीखे सवाल पूछे और चौकीदार चोर है कि नहीं उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बेहतर है कि मैं बताऊं, उससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखकर एहसास कीजिए कि किस तरीके से कल संसद के बाहर किस तरीके से कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम कांग्रेसी ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जो है अडानी मामले का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। गौर से जरा देखिए वीडियो। जो सरकार खुद होकर पहली बार ऐसा पार्लियामेंट चलने दे नहीं दे रहा है सत्ता पार्टी, आप दोस्त भी निभाना बंद करो, देश का गरीब का पैसा लूटने नहीं देना चाहिए, आप सत्ता तो क्यों नहीं छोड़ते, इन्वॉल्व होना पड़ा है। जो सरकार किस तरीके से दोस्त निभाना काम बंद करो, गरीब और इनका जो मजदूर लोगों का पैसा लेके जो खेलना बंद करना चाहिए और साथ साथ में जो पीएम केयर फंड का भी पैसा उनको दिया है वो आगे इसलिए नहीं दे रहे हैं। और जब तक सरकार ने जो राहुल जी का सवाल है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी नहीं बिताएगा, देश का जनता का पैसा लेके खेलने का काम बंद करो, उनके साथ जब तक नहीं बैठेगा तब तक हम लोग ने लड़ाई लड़ने का काम पूरा देश पर कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतर के इस आपने देखा, ये जितनी तबाही सड़कों पे मचा रहे हैं उतनी तबाही दरअसल अडानी की कंपनियों की बर्बादी की वजह से मोदी सरकार में भी है। बहरहाल ये हम सब चीज़ों को दिखाई नहीं दे रहा, ये अलग मसला है, लेकिन चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि आखिर ये दूसरा सत्र चल रहा है और इसमें भी इस मसले पे बात नहीं होना, ये बातें चुभ रही हैं। अब ये बातें लोगों को चुभने इसलिए भी लगी है कि तमाम विपक्ष के नेता एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक साथ आकर एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जवाब नहीं आ रहा। हमारे आप देखे थे कि कुछ दिन पहले शेयर में रिकवरी हो रही थी लेकिन फिर से रुक गया है सोमवार से, उसके बावजूद भी जवाब दे ही नहीं है। देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से संसद के अंदर हंगामा हो रहा है, इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखना पड़ेगा कि आखिर इस पर क्या वाकई में मांग को पूरा कर पाएंगे या नहीं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे स्पिन आई न्यूज़। नमस्कार।